चैनल देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। गाजीपुर में कशीमाबाद तहसील ने सैटेलाइट से पुराली जलाने की तस्वीर मिलने पर तहरीर देने के साथ आपको बताया चले कि दर्जनों भर किसानों का मामला दर्ज करवाया गया। पराली जलाने के मामले में किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे को लेकर किसानों में मचा हड़कंप। आगे हमारे साथ बने रहिए, पूरी खबरों पर एक बार नजर डालते हैं। गाजीपुर के कसीमाबाद तहसील में सैटेलाइट के पुराले जलाने के तस्करों में तहसीलदारों ने दर्जनों भर किसानों पर किया मामला दर्ज। आपको बताया चले कि यहां पर कसीमाबाद तहसील के एसडीएम मंस राम वर्मा के निर्देश पर 13 किसानों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कसीमाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र में पंचायत इंदौर में सोमवार को 13 किसानों ने अपने 10 बीघे खेत में पराली जला दी थी, जिसके तस्वीरें में आपको दिखाया जरा देख भी सकते हैं, जिसकी निगरानी में रखे गए शासन की टीम के साथ सूचना जिला प्रशासन को दी गई थी। तुरंत उसके बाद सभी तहसीलों ने एसडीएम ने एक्शन लिया। उसके बाद आपको बताया चले कसीमाबाद तहसील में एसडीएम के निर्देश पर हल्का लेखपाल उपेंद्र कुमार ने पराली जलाने के इंदौर गाँव के तारा देवी, पत्नी मोहन यादव, उदयभान यादव जैसे सभी लोग वहां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। फिलहाल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया है कि पराली जलाने के मामले में दर्जन भर के किसानों का मामला दर्ज कराया गया है और धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज आने के लिए देवब्रज की खास रिपोर्ट गाजीपुर से। देखिए, सैटेलाइट के माध्यम से एक सेंट्रल टीम है जो ये चिन्हित करती है कि किन स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं और वो जनपद स्तर पर सूचित करते हैं डीएम कार्यालय को। वहाँ से आख्या प्राप्त होती है जिसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाती है। जनपद गाजीपुर में भी मुकदमे पंजीकृत हुए हैं समुचित धाराओं के, जिनमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।